हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ट्रैवलर। आज आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र साईनगर शिरडी। अभी हम एंट्री कर रहे हैं शिरडी बाबा के दर्शन के लिए। जो कूपन मिलता है वो कूपन लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं। ये रास्ते जो है सीधे जाएंगे, आपको यहाँ से कंप्यूटराइज्ड कूपन लेना पड़ेगा। और ये टेंपल में एंट्री करने के लिए कोई फी नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों, कूपन लेते हैं फिर मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे बढ़ते हैं गेट के तरफ। और दोस्तों, यहाँ पे साई बाबा पसंद करते हैं गुलाब के फूल। जब आप कूपन लेने जाएंगे तो इस रास्ते पे बहुत लोग जो है वो गुलाब के फूल बेचते हैं, 10 रुपया 5 रुपया। तो यहाँ से आप गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। फिलहाल अभी कोरोना का थोड़ा कम प्रकोप है, इसलिए आप बिना मास्क के भी जा सकते हैं, पर मास्क साथ में ज़रूर रखिएगा। ये जो काउंटर है, दर्शन पास काउंटर, यहाँ पे महिला और पुरुष अलग अलग काउंटर है, अलग अलग लाइन है। यहाँ पे आप लाइन लगाइए, 10 मिनट में आपको टिकट मिल जाएगी। हम पास ले लिए हैं, पास लेके अभी हम मंदिर के तरफ बढ़ेंगे। मंदिर में बहुत बहुत दूर से सब श्रद्धालु आते हैं, राजस्थान से, बीकानेर से, गुजरात से। ये है एंट्री पास, मुझे एंट्री पास मिल गया है। और एंट्री पास लेके ही आपको एंट्री करनी होगी, वरना आपको एंट्री नहीं करने देंगे। हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत खूबसूरत। कोलकाता से लोग जाते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए अलग सा गेट रहता है। और ये जो है अभी सुबह का आरती हो रहा है, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और साथ में भजन भी हो रहा है, गाना भी हो रहा है, बहुत खूबसूरत गाना। आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे तो आपका मन भर जाएगा गाना सुन के। और दोस्तों, बाबा जी का जो गीत हो रहा है, ये गीत आप सुनेंगे आपको बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मुझे भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और इस गीत के संग, इस आरती के संग सभी लोग ताली बजाते हुए, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं, सब एक साथ गीत गाते हैं, जो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत दृश्य है। चाहे कितना भी धूप हो, चाहे जो भी हो, सब श्रद्धालु यहाँ आके बैठते हैं, गीत गाते हैं। और जो ये जो गेट देख रहे हैं, ये 3 नंबर गेट है, गेट नंबर 3। यहाँ से सारे लोग जो है दर्शन करके बाहर आते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम, एक टाइम रहता है जब सारे श्रद्धालु जो है बाबा के मुख दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह का टाइम 10 बजे मुख दर्शन के लिए एक गेट होता है। यहाँ से ये जो गेट है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आइए। ये जो गेट है, यहाँ से, इस गेट से एंट्री होना होता है। एंट्री करते हैं यहाँ से। यहाँ आपको मोबाइल चेक करेंगे, मोबाइल लेके आप अंदर नहीं जा सकते। ये दूर में जो दिख रहा है, वहाँ पर जो है बाबा जी का फेस दिखेगा। ये है मुख दर्शन काउंटर। और ये जो है द्वारका माई, बाबा जी यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे बाबा जी आते थे, आके यहाँ पे वो नहाते थे, बैठते थे, टाइम पास करते थे। उनको ये जगह बहुत पसंद था, द्वारका माई। कभी भी उनको टाइम मिलता था तो द्वारका माई यहाँ पे आके वो बैठते थे। और दोस्तों, द्वारका माई जो उनका ऑयल पेंटिंग, एक ऑयल
पेंट उनका वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे पूजा होता है बाबा जी का। और द्वारका माई पे जाने के लिए आपको ये एंट्री लेनी होगी, यहाँ से एंट्री, ये एंट्री है। और यहाँ भी आपका मोबाइल चेक होगा, मोबाइल का आप नहीं जा लेके जा सकते। अगर मोबाइल लेके आप मंदिर में एंट्री कर चुके हैं तो ये है मोबाइल रखने का जगह, मोबाइल लॉकर। और ये है डोनेशन ऑफिस, मोबाइल लॉकर में आप मोबाइल रखिए, कैमरा रखिए। और ये जो रोड है, ये मंदिर के बाहर का रोड है, मेन रोड है। आपको यहीं से ट्रेन से उतर के यही रोड पकड़ के आपको ऑटो में आनी होगी। और ये जो गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करना होगा। यहाँ से एंट्री करके आप मंदिर के भीतर जा सकते हैं। लेकिन मंदिर में जाने के लिए उससे पहले आपको, वो मैं आपको कूपन काउंटर दिखाया हूँ, वहाँ जाके आपको कूपन लेनी होगी। कूपन लेने के बाद ही आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। मंदिर एंट्री करने का गेट अलग है, कूपन लेने का गेट अलग है। देखिए दोस्तों, ये रात का टाइम है, ये 10:30 बज रहा है रात के टाइम। रात के टाइम भी आप आ सकते हैं, मंदिर खुला रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, भीड़ रहता है बहुत, लेकिन सभी यहाँ श्रद्धा का मन से आते हैं, श्रद्धा करते हैं। और मंदिर के आसपास आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा, आप होटल बुक करके आइए, बिना बुक करके आइए, आपको रिजनेबल प्राइस में आपको होटल मिल जाएगा। यहाँ देखिए रात का जो आरती हो रहा है, दिन में एक बार आरती होता है 6 बजे, रात में भी एक आरती होता है 10 बजे से शुरू होता है। और सारे श्रद्धालु वही एक ही सिस्टम, देखिए कोई खड़ा है, कोई बैठा है। और मैं जिस दिन गया था वो होली का दिन था, मैं बहुत लकी हूँ जो होली का दिन मैं वहाँ पहुँच गया। बाबा जी को होली खेलना बहुत पसंद था, वो बहुत होली खेलते थे। और मंदिर का भीतर ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, रात के टाइम का आरती हो रहा है। आरती के टाइम हमेशा जो गीत होता है वो सुन के आपका मन मोह जाएगा, आप किसी और दुनिया में पहुँच जाएंगे, आपका आँख से आंसू आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए आरती हो रहा है। एक्चुअली मैं मंदिर का भीतर जाके नहीं दिखा पाया, ये बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, बहुत सिक्योरिटी वहाँ पे है। अगर आपको मोबाइल लेके अंदर पकड़ा जाता है तो आपका मोबाइल ले लिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा, और आपको भी मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, बहुत रेस्ट्रिक्शन एरिया है वहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो होली का दिन है, मेनली वहाँ पे होली का जलाया जाता है मंदिर कैंपस के भीतर। मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए होली का दहन होगी। ये द्वारका माई का गेट है, बंद है। अब यहाँ से सीधा, अगर आप सीधा चलते रहेंगे तो आपको बाहर का रोड मिलेगा। ये आप सीधा चल रहेंगे तो आपको बाहर का रोड मिलेगा, जो मैंने रोड कुछ देर पहले दिखाया, जो आती है मंदिर के तरफ ट्रेन स्टेशन से, सीधा ऑटो पकड़ के आप यहाँ आ सकते हैं। हावड़ा से आती है ट्रेन। ये है मंदिर टेंपल का जो मेन स्तंभ है, बाहर से दिखा रहे हैं रात के टाइम, ये गोल्ड का बना हुआ है, बहुत चमकता है दिन के टाइम, रात में भी चमकता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत जो उसका टेंपल का जो मेन जो पोर्शन है वो पूरा गोल्ड से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है लगभग इसी तरह बनाया हुआ है, वो देखिए मंदिर का जो मेन टेंपल का जो मेन पार्ट है। और दोस्तों LCD हर जगह लगा हुआ है, आप कहीं से भी आरती देख सकते हैं, मंदिर का भीतर से भी देख सकते हैं, मंदिर के बाहर अगर वो एंट्री नहीं हो पाते हैं तो बाहर से भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये एक प्लेस है, वहाँ पे लिखा हुआ है आई लव शिरडी, यहाँ पे लोग आके फ़ोटो खींचते हैं, बहुत ही पीसफुल एरिया है और लोग पूरा भरा हुआ रहता है,
खास करके होली के दिन मैं गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और गेट के पास जहाँ से मेन एंट्री होती है उसके आसपास बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे आप बाबा जी का मूर्ति आपको मिल जाएगा, फ़ोटो मिल जाएगा, आपको वैराइटीज अगरबत्ती मिल जाएगा, आपको पेड़ा मिल जाएगा। ये जो गेट दिख रहे हैं, ये जो बैरिकेड आपको दिख रहा है, ये यहाँ से आपको एंट्री होना होता है मंदिर के भीतर मेन दर्शन के लिए, जहाँ पे साई कॉम्प्लेक्स बोल के एक जगह है। मंदिर के भीतर आपको एंट्री होना होता है पास लेने के बाद, तभी आप जाके बाबा जी का दर्शन कर पाएंगे। हमें दर्शन करने में 2 घंटा लगा है, कभी कभी ऐसा भी होता है 8-10 घंटा भी दर्शन करने में लग जाता है। हम लकी थे जो मुझे जल्दी मिल गया दर्शन। और ये बहुत बड़ा कैंपस है मंदिर का। यहाँ से जो महाराष्ट्र वाले हैं, जो शिरडी वाले हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं, उनको आधार कार्ड लगता है उनका, और काउंसिलर का सिग्नेचर लगता है, और यहाँ से सारे लोग जो है शिरडी के जो लोग हैं वो एंट्री करते हैं। मंदिर के भीतर बहुत सारा LCD लगा हुआ है, बहुत सारा मिठाई का दुकान भी है। और दोस्तों, मंदिर के भीतर एक नीम का पेड़ है, सुनने में आया है कि वो नीम का पेड़ जो है उसका पत्ता जो है तीता नहीं होता है, बिल्कुल भी मीठा होता है। बाबा जी हमेशा अगर टाइम मिलता था तो उनको वो मंदिर के बाहर, मंदिर के भीतर ही है, वहाँ पे वो आते थे और आके नीम प्लांट का नीचे बैठते थे। ये गेट नंबर 3 है, देखिए रात को भी लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, श्रद्धालु कभी कम नहीं होते हैं यहाँ पे, हमेशा लोग भीड़ रहते हैं, और जो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, वो अंदर में जो है होलिका दहन हो रहा था, ये देखिए मैंने होलिका दहन देखने का मेरे जो सौभाग्य है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देखिए मेरे लाइव ट्रैवलर के थ्रू। और ये होलिका दहन में जो है मेनली नारियल डाला जाता है जलाने के लिए, और सूखा हुआ काऊ डंग जिसको हम लोग बोलते हैं गोईठा, वो डालते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।